किसान मंच के सह संयोजक हरीश चौहान का मानना है कि सरकार ने जब से प्रदेश की मंडियों में कानून लागू करने के आदेश पारित किए हैं, तब से ही कुछ आढ़ती खरीदार और लदानी की मिलीभगत और मनमानी से प्रदेश की मंडियों में सभी कानूनों के उल्लंघन का प्रयास कर रहे हैं। इनकी इस गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली से इस विकट स्थिति में आपदा के समय किसानों और बागवानों को परेशान किया जा रहा है। के लिए जो है कुछ आढ़तियों के द्वारा कभी परेशानियां जो है उत्पन्न की जा रही है और कभी लदानियों के द्वारा जो है परेशानियां उत्पन्न की जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के दौर में जब किसान बागवान आपदा में जूझ रहा है, एक तो बागवानों किसानों को जो है उनके जो है फसल कम है, फिर साथ में हम किसानों बागवानों को जो है पतझड़ के प्रकोप ने, बीमारियों के प्रकोप ने कस दिया है। फसल कम होने के बावजूद पतझड़ और अन्य बीमारियों के जो मुश्किल दौर से जो किसान बागवान जूझ रहा है, ऐसे दौर में इस तरह की प्राकृतिक आपदा में क्या कहते हैं कि आपदा में जो अवसर ढूंढने वाला जो है एक ये मौका जो है ये मिल रहा है इन लोगों को। और हमारा मानना यह है कि सरकार को जो है इनके ऊपर कड़ा निर्णय लेना चाहिए। संयुक्त किसान मंच का ये मानना है कि जो भी इस तरह की खलल और भ्रम किसानों बागवानों के बीच फैला रहे हैं, ऐसे आपदा के दौर में उन लोगों के जो है लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए और जो लदानी ऐसा काम कर रहे हैं उनके भी जो है उनकी बैंक गारंटियां ले लेनी चाहिए। सभी लदानियों की जो है वो बैंक गारंटियां होनी चाहिए, आढ़तियों की बैंक गारंटियां होनी चाहिए।